हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं महतारी वंदना योजना के तहत जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अभी अपडेट किया गया है जो पोर्टल है। पहले की जो पोर्टल था उसमें जो है पीडीएफ फाइल में लेता था दोस्तों, और वो काफ़ी प्रॉब्लम होता था कि पीडीएफ जनरेट करने में, या आपको जो है वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड जो इसके माध्यम से जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ को वेरिफिकेशन के लिए कहा जाता था। लेकिन जो है अब जो है पोर्टल में बहुत सारे चेंजेस कर दिया गया दोस्तों। अब ना ही आपको जो है पैन कार्ड की आवश्यकता होने वाला है और न ही वोटर आईडी कार्ड की। आप सिर्फ जो है इस योजना में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आपको अपनी आधार कार्ड की फोटोकॉपी देना है और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी देना है और अपना एक फ़ोटो देना है। बस ये तीन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से दोस्तों आप अपनी पूरी की पूरी फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, और आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आप जो है अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से चाहें तो ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और चाहें तो आप ऑफलाइन जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या अपने सचिव को जो है ग्राम पंचायत सचिव के पास जो है जमा कर सकते हैं दोस्तों। फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो है आप सचिव के पास भी जमा कर सकते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास भी आप जमा कर सकते हैं आंगनबाड़ी जाकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले से ही सब्सक्राइब हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आ जाना है महतारी वंदना योजना वाली जो लिंक है उसमें, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सीधे ही आके यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको हितग्राही लॉगिन में आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे कुछ टर्म कंडीशन है दोस्तों, इसको आपको पढ़ लेना है अच्छे से। यहाँ पे आपको अपनी जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज कर लेना है। फिर यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है उस कैप्चा कोड को आपको दर्ज कर लेना है, और ओटीपी भेजे में आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ओटीपी भेजे में क्लिक करेंगे आपके मोबाइल फ़ोन पर जो है एक ओटीपी आपको प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है उसको वापस से आपको फिलअप कर लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको सबमिट में क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों महतारी वंदना योजना आवेदन फॉर्म करके आ गया है। अब यहाँ पे देखिए हितग्राही की जानकारी, आप जिसका जो है फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ पे देखिए हितग्राही की आप जो है आवेदिका का प्रकार का चयन कर लेंगे। मैं यहाँ से विवाहित कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए हितग्राही का आधार, यहाँ पे देखिए आवेदिका का नाम आधार कार्ड के अनुसार जैसे आधार कार्ड में दिया हुआ है वैसे ही आपको दर्ज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे दर्ज कर लेता हूँ। अगर दोस्तों आपके पास ये हिंदी वाली जो है फॉन्ट नहीं है दोस्तों ये वाली, तो इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, आप वहां से जो है इसको प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको डाउनलोड करके आपको सीधे ही सिंपल से इंस्टॉल कर लेना है। अब यहां पे देखिए उनका जो पति का नाम आपको दर्ज कर लेना है। तो मैंने यहां पे देखिए दोस्तों उनका पति का नाम, अब यहां पे देखिए आवेदिका का पिता का नाम, तो जो इनकी पिता का नाम है वही आपको दर्ज करना है दोस्तों। और यहाँ पे आवेदिका का जो है जन्म तिथि आपको दर्ज कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए जन्म तिथि सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड जो है आ गया है, या 10वीं 12वीं की अंक सूची, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है बदलाव किया गया है। इससे पहले जो है ये सभी चीज़ें नहीं था। इससे पहले जो है वोटर आईडी कार्ड और सिर्फ पैन कार्ड था दोस्तों, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। तो चलिए मैं यहाँ से आधार कार्ड का चयन कर लेता हूँ। यहाँ पे आवेदिका की जो है जाति आपको चयन कर लेना है, और ये जो हिंदी होता है इसको आप अल्ट और शिफ्ट के साथ प्रेस करके इसको एक्टिव और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से चलिए मैं इनकी जाति ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ से आवेदिका का वर्ग चयन कर लेना है, ओबीसी है तो ओबीसी, एसटी है तो एसटी, एससी है तो एससी, जनरल है तो जनरल। तो मैं यहाँ से चयन कर लिया। यहाँ पे देखिए क्या आवेदिका पिछड़ी जनजाति श्रेणी से हैं, अगर आप कहीं एसटी से हैं तो आप हाँ कर सकते हैं, नहीं तो ना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जिला का चयन कर लेना है, आप जिस जिले से हैं उस जिले का आपको यहाँ से चुनाव कर लेना है। यहाँ पे देखिए फिर क्षेत्र का चुनाव कर लेना है, अगर शहरी है तो शहरी, ग्रामीण है तो ग्रामीण। यहाँ से देखिए ब्लॉक का चयन कर लेना है, और यहाँ पे देखिए परियोजना का चयन कर लेना है, और यहाँ पे सेक्टर का चयन कर लेना है, और यहाँ पे जो है आपको ग्राम का जो है वार्ड का चयन कर लेना है, ग्राम या वार्ड का चयन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से आपको जो आपकी आंगनबाड़ी केंद्र का नाम है वो चयन कर लेना है, और यहाँ पे आपको अपनी जो है पिन कोड दर्ज कर लेना है।
इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी डिटेल्स को आपको यहाँ पे इस तरीके से फिलअप कर लेना है। देखिए यहाँ पे फिलअप करने के बाद चलिए दोस्तों नीचे की ओर आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अवेदिका, तो यहाँ पे देखिए अवेदिका का आधार नंबर, तो जो आवेदन कर रही, जिस महिला के नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उनका आपको यहाँ पे जो है आधार नंबर ऐड करना होगा। फिर यहाँ पे देखिए जो है उनका पति का आधार नंबर आपको ऐड करना है। अगर उनका पति का आधार नंबर है तभी आप ऐड करेंगे दोस्तों, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे पैन नंबर अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं आवेदिका का, जिसका आप आवेदन भर रहे हैं उनका, और यहाँ पे उनके जो है पति का पैन नंबर, और यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप दूसरा आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए राशन कार्ड भी अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास जो है राशन कार्ड है तो आप यहाँ पे राशन कार्ड नंबर जो है ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे राशन कार्ड धारी का नाम जो है आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब मैंने जो है मुखिया का नाम जो है दर्ज कर लिया, राशन कार्ड धारी का नाम यहाँ पे दर्ज कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हितग्राही के पात्र अपात्र की जानकारी, तो देखिए क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शामिल विभाग या उपक्रम मंडल निवासी निकाय में स्थानीय या स्थायी या स्थायी संविदा पद में कार्यरत प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ग के अधिकारी हैं, तो मैं यहाँ पे नहीं कर देता हूँ दोस्तों, इनके यहाँ से कोई भी नहीं है। क्या आवेदिका ऐसे पेंशन भोगी है जिसे मासिक पेंशन प्राप्त है, इसमें क्या करना है दोस्तों, जिसको जो है वृद्धा पेंशन मिल रहा है उनमें हाँ करना है, जिनको नहीं मिल रहा है उसको ना करना है। यहाँ पे देखिए क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व संसद भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड निगम मंडल की अध्यक्षता एवं उप अध्यक्ष है, तो यहाँ से नहीं कर लेता हूँ। क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसके परिवार आयकर दाता है, या परिवार से तात्पर्य पति या फिर पत्नी एवं उन पर आश्रित बच्चे, तो इसमें भी मैं नहीं कर लेता हूं दोस्तों, क्योंकि इनके परिवार से कोई भी इनकम टैक्स वगैरह पे नहीं किया जाता है। चलिए दोस्तों इसको स्क्रॉल करके फिर हम आते हैं आवेदिका के आधार से लिंक बैंक की जानकारी। यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको बैंक का नाम यहाँ पे दर्ज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे बैंक का नाम जो है, तो भारतीय स्टेट बैंक करके मैंने यहाँ पे बैंक का नाम दर्ज कर लिया। यहाँ पे IFSC कोड, और यहाँ पे आपको क्या करना है उसका खाता नंबर आपको दर्ज कर लेना है। खाता नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब जो है दस्तावेज अपलोड करना है। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है चेंजेस किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टार लगा हुआ, आपको सबसे पहले ये चिन्ह जो दिया हुआ है उसको आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो है आवेदिका का आधार कार्ड, इसमें सिर्फ आप जो है आवेदिका का आधार कार्ड और बैंक पासबुक और आवेदिका का जो है निवास से संबंधित जो प्रमाण पत्र, जैसे निवास प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, या मतदाता परिचय पत्र, इनमें से किसी का भी आप उपयोग कर सकते हैं निवास प्रमाण पत्र के रूप में, और आवेदिका का फोटो, बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स लगा जा रहा है दोस्तों। इससे पहले काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगता था, लेकिन अब ये सभी चीज़ें जो है नहीं लग रहा है। और यहाँ पर देखिए स्वघोषित शपथ पत्र आपको अपलोड करना है, बस इतनी ही डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, फिर बाकी को करने की आवश्यकता नहीं है, जिनमें स्टार दिखाई दे रहा है उन्हीं को। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, आवेदिका का आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो ये मैंने अपलोड कर लिया। यहाँ पे देखिए आवेदिका का बैंक पासबुक मैंने यहाँ से अपलोड कर लिया, और यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं जो है आधार कार्ड या राशन कार्ड या मतदाता परिचय पत्र, तो इनमें से किसी एक का चयन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से आवेदिका का जो है मतदाता परिचय पत्र का चयन कर लिया, यहाँ से आवेदिका का जो है मैं फ़ोटो का चयन कर लेता हूँ, और यहाँ पे जी देखिए दोस्तों स्वघोषणा शपथ पत्र आपको जो है अपलोड करना है। तो देखिए दोस्तों मैं जो है इसका कॉपी जो है स्कैन करने वाला हूँ, और स्कैन करके आप जो है किस तरीके से उसकी रीसाइज कर पाएंगे ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपनी जो स्कैनर है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने जो है अपना फोटोशॉप को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद चलिए यहाँ पे फाइल में आ जाऊँगा, और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इंपोर्ट करने के बाद इसकी जो DPI है यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है 100 है, आप चाहें तो इसको मैं 200 या 150 कर सकता हूँ ऐसे। अब यहाँ पर स्कैन में क्लिक कर लूँगा। देखिए दोस्तों ये मेरा स्कैनर जो है इसको स्कैन कर लिया। अब इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज करने के बाद आप देख सकते हैं ये मेरी डाटा है, इसको मैंने क्या कर लिया है, स्कैन कर लिया है। स्कैन करने के बाद आपको फाइल में आना है। फाइल में आने के बाद यहाँ पे देखिए सेव फॉर वेब एंड डिवाइसेस में क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 MB का जो है डाटा बन रहा है, बट इसमें जो है 200 KB का
मंगा गया है दोस्तों। तो इसको आप किस तरीके से जो है कम करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए इमेज साइज़ दिया हुआ है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है इसमें आपको फिल करना है 850। ठीक है दोस्तों, 850 फिल करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई में क्लिक करना है। अप्लाई में क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल की साइज़ है यहाँ पे देख सकते हैं 830 हो गया। और यहाँ पे देखिए जो क्वालिटी है इसको भी आपको क्या कर लेना है, ऐसे कम कर लेना है। अब देखिए दोस्तों ये 126 हो गया, अगर क्वालिटी को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, क्वालिटी को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो 174 हो गया। तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपको सेव में क्लिक कर लेना है और यहाँ पर क्या करना है, आपको इसको नाम दे देना है। नाम देने के बाद इसको सुरक्षित कर लेना है। मैं जो है सभी डिटेल्स को दोस्तों इसी तरीके से मैंने सुरक्षित किया हुआ है और आपको भी सभी को जो है स्कैन करना है और ऐसे ही सुरक्षित कर लेना है। यहाँ पे स्व घोषणा शपथ अपलोड करें में आपको क्लिक करना है और यहाँ से जो है आपकी स्व घोषणा को यहाँ पे सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है और यहाँ पे सहमत में क्लिक कर लेना है और आपको सबमिट बटन में क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने जो है राशन नंबर दिया हुआ था, यह फील्ड को अपलोड करना जो है क्या है अनिवार्य बोल रहा है। तो चलिए इसको भी मैं क्लिक कर लेता हूँ और जो राशन नंबर है राशन कार्ड है उसको मैं अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अपलोड करने के बाद चलिए अब सबमिट में मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए ये जो है मेरा प्रोसेस हो रहा है। देखिए अब ये जो है हितग्राही सफलतापूर्वक जो है पंजीकृत किया गया है, ये इसको आपको ओके में क्लिक कर लेना है। तो थैंक यू दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या होता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं।